ओम नमः शिवाय। चलिए अब हम श्री शिव महापुराण का पंचम अध्याय आपको सुनाते हैं। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बरू का विंध्या पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनकर बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिव धाम में सुखी होना। सूत जी बोले, सौनक एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरजानंदनी स्कंद माताओं में मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शुभ प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के सेव्य हैं। आप ही सगुण और निर्गुण हैं। आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपणी आद्य प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली परम शक्ति भी आप ही की है। सूत जी कहते हैं, सौनक जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वरी पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरी मैं तुम्हारी ही तरह की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याण दीन वत्सले मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसे ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए हैं। गिरिजा बोली, बेटी तुम्हारा बिंदुग नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंत्यकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्य का उपभोग करने वाला वह मामूर मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता रहता है। सूत जी कहते हैं, सौनक गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से माहेश्वरी को प्रणाम करके उन्हें पूछा। चंचुला बोली, माहेश्वरी महादेवी मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। देवी कुचित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्य में ही उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्य में ही उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुका उनको बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी बड़ी दया को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला माहेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्रुको को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्रो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है, तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्धि करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ, वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत तुम आराम से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था, मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य क्रम छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही सब उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराए घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता था। वह दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुरी में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, महेश्वरी उमा के इस प्रकार का आदेश देने पर गंधर्व राज तुमरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुमरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुमरु ने उन अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों से बांध लिया। तदंतर तुमरु ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्रुका जी विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ में बहुत से देव ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुमरु ने उस पिशाच को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विद्येश्वर संहिता से लेकर सातवीं अर्थात वायु संहिता तक मातम्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य
में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौण वर्ण की हो गई और शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदु अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवऋषि बड़े विस्मित हुए। उसका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदु भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुख पूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगे। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वे अपनी प्रियतमा तथा द्वारका के कलश तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुमरु के साथ शीघ्र ही विश्व धाम जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद में सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। इस प्रकार शिव पुराण महात्म्य का ये पंचम अध्याय समाप्त हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।